गुड मॉर्निंग, आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में वाच्य के बारे में बताने जा रही हूँ। वाच्य और वाच्य के भेद। वाच्य क्या है? जब क्रिया का रूप वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होता है उसे वाच्य कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे वॉइस कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जब वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता होती है, यानी कि क्रिया कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार चलता है, तो उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, यहाँ पर हम देखेंगे उदाहरण, हिमांशु कहानी पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, यानी कि क्रिया का रूप जो है वह कर्ता के अनुसार जा रहा है। कर्ता हिमांशु है और हिमांशु के अनुसार ये क्रिया का रूप हुआ है पढ़ता है। हिमांशु एक वचन है, पुल्लिंग है, और यहाँ पर क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग है। हिमांशु के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है। इस वाक्य में कहानी कर्म है, हिमांशु के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, और क्रिया का रूप जो है वह किसके अनुसार जा रहा है? कहानी यानी कि कर्म के अनुसार जा रहा है। कहानी के अनुसार ही, कहानी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और यहाँ पर उसी के अनुसार क्रिया का रूप हो रहा है, पढ़ी जाती है। तीसरा है, हिमांशु से पढ़ा नहीं जाता है। इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, यानी कि क्रिया का रूप जो है वह भाव के अनुसार जा रहा है, यानी कि पढ़ा ये भाव है और इसके अनुसार क्रिया का रूप जा रहा है, नहीं जाता। तो हिमांशु से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, क्रिया का रूप भाव के अनुसार जा रहा है। आइए अब हम लोग देखेंगे वाच्य के भेद। वाच्य के तीन भेद है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है, यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि क्रिया का रूप वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, मोहित व्यायाम करता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? मोहित, और ये कौन है? पुल्लिंग है और एक वचन है। तो पुल्लिंग और एक वचन है, इसी कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप हुआ है, वह व्यायाम करता है, ये क्रिया है पुल्लिंग एक वचन में। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप चलता है, उस वाक्य को हम लोग कहते हैं कर्तृवाच्य। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्म के अनुसार होता है, यानी कि उसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार ही चलता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, महेश द्वारा गीत गाया गया है। यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं हो रहा है, लेकिन किसके अनुसार? यहाँ कर्म गीत है और गीत के अनुसार ही क्रिया का रूप हुआ है, गीत गाया गया। गीत गाया गया यानी कि कर्म गीत है और गीत के अनुसार गाया गया हुआ। तो ये है कर्मवाच्य। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे, सविता से खाना बनाया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कर्ता कौन है? सविता, और यहाँ पर कर्म कौन है? खाना। यहाँ सविता स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन खाना शब्द जो है वह पुल्लिंग है, और चूंकि कर्म की प्रधानता है, इसलिए खाना शब्द कर्म के अनुसार ही ये क्रिया चल रहा है, ये पुल्लिंग है, और इसलिए यह भी क्रिया भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। यानी कि इस वाक्य में कर्म की प्रधानता है, वाक्य कर्म के अनुसार क्रिया बदल रहा है, वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया चल रहा है। अब तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का रूप भाव के अनुसार होता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार होता है, यानी कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है, उस
उसे हम कहते हैं भाववाची। जैसे और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म, लिंग, पुरुष और वचन, इनको छोड़कर क्रिया का रूप भाव के अनुसार होता है, उन्हें हम कहते हैं भाववाची। जैसे उदाहरण हम लोग देखेंगे, रोगी से सोया नहीं जाता, यहाँ पर सोया ये क्या है, भाव है, और सोना ये भाव है, और भाव के अनुसार ही क्रिया का रूप गया है, सोया नहीं जाता। ना कर, यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ पर करता है और सिर्फ क्या है, भाव है, तो सोया नहीं जाता, सोया के अनुसार ही क्रिया का रूप गया है, भाव के अनुसार क्रिया का रूप गया है। एक और उदाहरण है, वरुण से चला नहीं जाता, वरुण से चला नहीं जाता, यहाँ भी इसकी प्रधानता नहीं है, लेकिन चला इसके अनुसार वाक्य का रूप हुआ है, क्रिया का रूप हुआ है, चला नहीं जाता, तो यहाँ भी भाव की प्रधानता है, क्रिया का रूप भाव के अनुसार हुआ है। आइए हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम, कैसे वाच्य बदला जाता है। जैसे हम जानते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने को हटाकर उसके स्थान पर से या के द्वारा लगाकर क्या किया जाता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाया जाता है। कर्ता कारक के चिन्ह को हटाकर से या के द्वारा लगाकर कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाया जाता है, इससे कर्तृवाच्य से, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए से या के द्वारा लगाकर क्या किया जाता है, वाक्य परिवर्तन किया जाता है। दूसरा नियम है, केवल उन्हीं वाक्यों को भाववाच्यों में बदला जा सकता है जिनमें कर्म ना, जिन वाक्यों में कर्म नहीं है, सिर्फ उन्हीं वाक्यों को हम क्या कर सकते हैं, भाववाच्य में बदल सकते हैं। जिन वाक्यों में कर्म नहीं है उनको हम कर्मवाच्य में नहीं बदल सकते, वो वाक्य केवल भाववाच्य में ही परिवर्तित होंगे। जैसे यहाँ नीचे उदाहरण हम देखेंगे, मोहित हंसता, इसमें कर्म नहीं है, केवल कर्ता है और क्रिया है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो मोहित हंसता है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये वाक्य जो है वह किसमें परिवर्तित होगा, भाववाच्य में ही परिवर्तित होगा। जैसे इसका भाववाच्य क्या होगा, मोहित से हंसा जाता है, मोहित से हंसा जाता है, भाववाच्य में ही परिवर्तित होगा। लेकिन तीसरा नियम है, सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों से केवल कर्मवाच्य ही बनाए जा सकते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म है, कर्तृवाच्य है और उसमें कर्म है, तो उस वाक्य को हम कर्मवाच्य में ही बदल सकते हैं, वो भाववाच्य में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जिस वाक्य में कर्म है वो भाववाच्य में परिवर्तित नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, मोहित व्यायाम करता है, इस वाक्य में यहाँ पर व्यायाम कर्म है, इसको हम भाववाच्य में नहीं बदल सकते हैं, यहाँ व्यायाम है कर्म, तो ये बदलेगा तो किसमें बदलेगा, भाव कर्मवाच्य में ही बदलेगा, भाववाच्य में नहीं बदलेगा, ये कर्मवाच्य में ही बदलेगा। जैसे हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बदलेगा, मोहित से व्यायाम किया जाता है, यहाँ पर व्यायाम के अनुसार क्रिया का रूप गया, तो जिसमें कर्म है वो वाक्य कर्मवाच्य में ही परिवर्तित होगा, जिसमें कर्म नहीं है वो वाक्य भाववाच्य में ही परिवर्तित होगा। आइए हम लोग कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य से कैसे कर्तृवाच्य बनाया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य वाले वाक्य हैं, उनसे कैसे कर्तृवाच्य बनाया जाता है। जैसे स्नेहा से फल खाए जाते हैं, यह वाक्य कर्मवाच्य है, फल यहाँ पर कर्म है और कर्मवाच्य में है, इसको हम कर्तृवाच्य
वाक्य में कैसे बदलेंगे। स्नेहा फल खाती है, ये हो गया आपका कर्मवाच्य से इसमें कर्तृवाच्य में, इसको हम कर्तृवाच्य में बदलते हैं इस वाक्य को। तो क्या कहते हैं, स्नेहा से फल खाए जाते हैं, इसको बदल करके हम क्या लिखेंगे, कर्तृवाच्य में लिखेंगे स्नेहा फल खाती है। लड़कियों द्वारा खेला जाता है, इस वाक्य में हम देखते हैं क्या है, ये भाववाच्य, ये वाक्य भाववाच्य है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। लड़कियों द्वारा खेला जाता है, यहाँ कर्म का अभाव है, इसलिए यहाँ पर कर्म नहीं है और इसलिए क्या होगा, ये भाववाच्य है। और इस भाववाच्य वाले वाक्य को कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे, ये बदलेगा कर्तृवाच्य में क्या होगा, लड़कियां खेलती हैं, ये कर्तृवाच्य में परिवर्तित होगा। इसी तरह से लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, यहाँ पर लड़कों द्वारा फुटबॉल कर्म है और ये कर्म के अनुसार है, इसलिए ये कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या होगा, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ये हो गया आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्म और भाव में बदलना आसान है और कर्म और भाववाच्य से भी हम कर्तृवाच्य में आसानी से बदल सकते हैं। धन्यवाद।